अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करते चलें मोहम्मद रिजवान के हवाले से और एम्पायर के हवाले से कि आज मोहम्मद रिजवान के साथ क्या बेईमानी की गई और एम्पायर ने किस तरह गलत फ़ैसला दिया उसके बारे में आपको बताते चलें। जी हां नाज़रीन, आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते चलें कि आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन किस तरह नाकाम हुई और अभी तक भी पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से। आपने वीडियो में भी देखा होगा और आपने थर्ड एम्पायर का भी फैसला देखा होगा कि उसने जब रिव्यू दिया तो किस तरह बॉल लाइन पर भी नहीं थी और विकेट पर भी नहीं थी, लेकिन एम्पायर ने मोहम्मद रिजवान को आउट करार दे दिया और वो वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। और इसके साथ ही आप लोगों के साथ अगर बाबर आजम की बात करते चलें तो बाबर आजम भी आज ना टिक पाए, और अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो उन्होंने तो एक रन भी ना निकाला, वो सिफर पर ही आउट हो गए पहले। और इस तरह आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अच्छी नहीं है।